जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रॉस का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। शेयर बाजार में टपारिया टूल्स नाम की कंपनी के काफी चर्चे होते हैं, और इसलिए नहीं कि ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक लोग काफी बहस करते हैं, इसलिए भी क्योंकि सामान्यतः आमतौर पर किसी साधारण व्यक्ति को शेयर मिलता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस कंपनी के लोग हैं उनके ही अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को इस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अच्छा, उससे भी जरूरी बात कि ये जो टपारिया टूल्स कंपनी है, लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्योंकि इसका दो तीन मेन रीजन है। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाऊंगा, वहां समझाऊंगा, तो आप देखेंगे कि जब से इस कंपनी का शेयर प्राइस चलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके लगातार ऐसे देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में शेयर प्राइस ऊपर गया है। सामान्यतः किसी कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, लेकिन इस कंपनी का शेयर प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया है और लगातार ऊपर जाते ही जा रहा है। कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता। एक तो ये रीजन है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक दिनों में 5-5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। तो इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड देती है, और डिविडेंड साल भर में 2-3 बार देती है। और डिविडेंड कितना देती है आपको पता है? क्योंकि इस कंपनी का जितना शेयर प्राइस है, मान लीजिए अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 4.5 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड देती है 10 रुपए 20 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। यानी कि जितना शेयर का दाम है उससे ज्यादा तो कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है। तो मेन लड़ाई यहाँ पर इसी बात को लेकर है। लोगों को डिविडेंड चाहिए, और डिविडेंड कब मिलेगा? जब उसके पास इस कंपनी के शेयर्स रहेंगे। और शेयर्स कब रहेगा? जब लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन शेयर्स नहीं मिलता है, तो इस लॉजिक को भी समझेंगे कैसे आप इस कंपनी के शेयर्स को कुछ जुगाड़ अपना के बाय कर सकते हैं। और बाकी जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उनके लिए शेयर सोने की अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैंने बताया ना कि एक तो कंपनी का शेयर प्राइस कम है, और शेयर प्राइस से ज्यादा कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है, और डिविडेंड का बेनिफिट तो मिलता है, साथ में शेयर के प्राइस बढ़ने से भी जो शेयर एप्रिसिएशन का बेनिफिट होता है वो भी लोगों को मिलता है। देखिए, अभी हम लोग आए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पारिया टूल्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सामान्यतः इतनी छोटी कंपनी में निश्चित ही कोई ना कोई रेड फ्लैग होता ही होता है, यानी कि कंपनी या तो ईएसएम की कैटेगरी में मिलेगी या आपको जीएसएम की कैटेगरी में मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं, टपारिया टूल्स कोई भी तनाव वाली बात नहीं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको टपारिया टूल्स देखेगा, कहीं पर भी रेट निशान आपको देखते हुए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक बार आपको कंपनी के डिविडेंड का हिस्ट्री दिखाता हूँ, कॉर्पोरेट एक्सेंस में है, जहाँ पे कंपनी के जो भी कॉर्पोरेट एक्सेंस होते हैं, चाहे डिविडेंड चाहे बोनस, वो सब यहाँ पे देखते। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे कंपनी का डिविडेंड तो आप पाएंगे कि अभी 2024 में एक बार डिविडेंड मिला है, फिर अब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 2023 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 3 बार एक छोटी सी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, ये कोई साधारण बात नहीं। डिविडेंड कितने मिले हैं ये देखिए, 77 रुपए, 77 रुपए, 52 रुपए, यहाँ 20 रुपए, ये शेयर प्राइस कई गुना है। आपको समझ में आ रहा है ये डिविडेंड यील्ड तो परसेंटेज में देखेंगे काफी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे एक लंबा चौड़ा इस कंपनी का इतिहास रहा है, कंपनी के बोनस और डिविडेंड देने का, ये रहा बोनस का हिस्ट्री और ये रहा डिविडेंड का हिस्ट्री। तो कंपनी पिछले साल कई सालों से डिविडेंड देती आ रही है और आगे भी इसे डिविडेंड देती रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। टपारिया टूल्स काम क्या करती है? तो ये रेडीमेड औजार्स बनाती है, जो आप देखते हैं कि डेली यूजेस के यूजेस में आते हैं, जो भी औजार्स और टूल्स वो ये कंपनी बनाती है। हालांकि एक इकलौता कंपनी नहीं है टपारिया टूल्स जो शेयर मार्केट में औजार्स बनाने वाली कंपनी है, लेकिन बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह काम करते हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड है और वो छोटी कंपनी है, तो ये टपारिया टूल्स उसमें एक नंबर फिट बैठता है। मार्केट कैप सिर्फ 6.5 करोड़ के आसपास है, इजिली कोई भी व्यक्ति अगर 10 करोड़ के आसपास है तो मैनेज कर सकता है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतने हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इस छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अपना काम चलाएं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो तकरीबन 34-35% के आसपास है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर इतना परसेंट रिटर्न साल भर में कंपनी जनरेट करके दे सकती है, जो कि काफी बढ़िया बात होता है। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए कि कंपनी का शेयर प्राइस जहां से अगस्त 2023 से यहां से दिखाई दे रहा है, अगस्त 2023 से देखेंगे तो जब से प्राइस उठना शुरू हुआ है तब से प्राइस लगातार ऊपर ही जा रहा है, बीच में कहीं भी रुका नहीं है। सामान्यतः किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इतने तेजी से ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा डाउन आता है फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डाउन आता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन इसका शेयर प्राइस तो लगातार ऊपर ही गया और आगे और भी ऊपर जाते ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप क्वार्टर्स का नंबर देखते हैं ना, यहाँ पर जब आप क्वार्टर्स का नंबर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो सेल्स हुए हैं पिछले कुछ समय में लगातार से बढ़े हैं। आप स्पष्ट रूप से देखिए कंपनी का सेल्स ग्रो करते जा रहा है, मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा कंपनी का सेल्स हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है कंपनी का, वो भी आपको पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार बढ़ते हुए दिखा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इस बार सबसे ज्यादा हुआ, 29 करोड़ के आसपास हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवरऑल टैक्स वॉक्स देने के बाद। तो इसलिए आपको सलाह यही दी जाएगी कि टपारिया टूल्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, बेचने की गलती मत कीजिएगा, नहीं है तो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के आपको मैं
उपाय बता देता हूँ। जब आप मार्केट ओपन रहते हैं तो वहां पे मार्केट डेप्थ में जाएंगे, मार्केट डेप्थ में ये दिख जाता है कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। उस पेंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पे एक साइड आपको बाई का ऑर्डर दिख जाता है और एक साइड आपको सेल का ऑर्डर दिख जाता है, तो इसमें देख लीजिए कितने ऑर्डर बाई के लिए लगे हैं, कितने ऑर्डर सेल के लिए लगे। तो जो सेल के लिए ऑर्डर लगे हैं, इसमें से आप इसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा बाई के लिए, आपको इस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।